लक्ष्य है और शुरुआत करते हैं आज अपने अगले लेक्चर की केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर तक हम काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर और ऑलमोस्ट अपना लास्ट पार्ट चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, तो आज का लेक्चर जो भी मैं शुरू करने वाला हूँ उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है जो कि हमको समझना है, तो ऑफकोर्स आज थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा रहेगा, तो आराम से हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए जाओगे और समझते हुए जाओगे तो तुम्हें वो जो डेरिवेशन है वो समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो वो किस चीज़ का डेरिवेशन है पहले मैं उस टॉपिक की जो हेडिंग है वो बना देता हूँ यहाँ पे। तो जो भी आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है अपने पास, तो उसके अंदर जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है और जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो है कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, तुम्हें शायद क्लियर ना हो। अब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो सपोज कुछ इस तरीके से होगा, ए से वो जाएगा किधर की तरफ, बी की तरफ। ठीक है, रिवर्सिबल का साइन बना दिया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होगी, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन भी होगी, एक बैकवर्ड डायरेक्शन भी होगी। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो भी फर्स्ट ऑर्डर है और जो इसका बैकवर्ड डायरेक्शन है उसका भी क्या है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर इस फर्स्ट ऑर्डर को क्या कर रहा है, एक तरीके से अपोज कर रहा है, इसी की वजह से मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। आई थिंक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इधर जो भी हमारा होगा उसके लिए KF लिख देंगे, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए KB लिख देंगे। ठीक है, KF और KB क्या है वो मेंशन कर देता हूँ। KF और KB है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। चल, ये चीज़ क्लियर है। KF और KB है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो T=0 पे बात करता हूँ, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, ओनली A, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैं A0 मान लेता हूँ। वो T=T पे जाने के बाद यहाँ से कुछ जाएगा तो ये हो जाएगा A0-X, यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, X बनेगा। चीज़ क्लियर है यहाँ तक, तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी धीरे धीरे हम चलने वाले हैं। अब मैं अगर तुम्हें यहाँ पे पूछूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो क्या होगा KF into A के बराबर, हाँ कि ना, KF into A के बराबर हो जाएगा अपने पास। और अगर मैं यहाँ पे या बात करूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो यहाँ पे हो जाएगा अपना KB into B के बराबर, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ए क्या है अगर मैं बात करूँ तो एक तरीके से क्या है, ये लिखा हुआ है KF into A0-X, है ना, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसे कुछ वेरी करेगी। और बी क्या है, ये है KB into X। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक चीज़ क्लियर है, बढ़िया। अगर मुझे फिर इस ओवरऑल रिएक्शन अगर चाहिए मुझे इस पूरी प्रोसेस का, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, मुझे फॉरवर्ड में से किसको माइनस करना पड़ेगा, बैकवर्ड में से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। चीज़ क्लियर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है मेरे पास KF into A0-X, और मेरे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो है KB into X। तो ये चीज़ क्लियर होगी होगी, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DX/DT। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, DX/DT। तो DX/DT की वैल्यू क्या है, KF into A0-X - KB into X। ये चीज़ क्लियर है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूँ तो इक्विलिब्रियम पे जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ना तो प्रोडक्ट बनने वाला है ना रिएक्टेंट, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा अपना रिएक्शन कांस्टेंट। तो वहाँ पे DX/DT की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और जो X की वैल्यू आएगी, उस X की वैल्यू को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ X इक्विलिब्रियम। क्या नाम दे रहा हूँ मैं उसको, X इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन
नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन के अंदर तुम देखोगे तो ये ज़ीरो हो गया, अगर ये ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो इज इक्वल टू के एफ इंटू एनोट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम आया ना, माइनस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। ये चीज़ें अपने पास सिंपल सी चीज़ें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन से मैं dx बाई dt की वैल्यू जीरो और x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, x इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं। पहले मैं तुम्हें एक चीज़ निकाल पे यहाँ पे सिखा देता हूँ, क्या निकालने की कोशिश करूँगा, मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं पहले से उनको फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ने वो पड़ने वाली यहाँ पे के बी की। तो के बी की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा देख सकते हो, यहाँ पे के बी की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ, के एफ इंटू एनोट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम है ना। ये क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ तो अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जगह की ज़रूरत पड़ेगी ऑफकोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब थोड़ा सा जगह की ऑफकोर्स ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें रब करूँगा, तब तक तुम देखो कि क्या चीज़ें तुम्हें क्लियर हो पा रही जितना भी अभी तुम्हें समझाया, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रब करूँगा फिलहाल, ठीक है। ये चीज़ें भी तुम समझ चुके हो, ये चीज़ें भी तुम समझ चुके हो, यहाँ तक हम चीज़ें समझ चुके हैं, तो इनको भी फिलहाल हम रख कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस वहाँ से यहाँ पे मैं जंप करने वाला हूँ, तो एक बार देखोगे क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, के बी की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो के बी इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू ए नोट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे के बी की वैल्यू फाइंड आउट होकर मिल गई के एफ इंटू ए नोट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर, इसको सिंपल तुम नाम दे दो, सपोज हमारे पास जो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को तुम इक्वेशन नंबर टू बोल सकते हो, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थ्री बोल दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम चल रहे थे एक तरीके से यहीं पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम चल रहे थे तो यहाँ से मुझे एक और वैल्यू निकालनी है एक्स इक्विलिब्रियम की, तो वो क्या होगी वो भी देखोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखूँ, ये वाली इक्वेशन को मैं यहाँ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखोगे एक बार के एफ इंटू ए नोट, के एफ इंटू ए नोट माइनस के एफ इंटू ए नोट माइनस के एफ इंटू एक्स इक्विलिब्रियम है ना, इज इक्वल टू के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। चीज़ करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे चलते हैं, मुझे एक्स इक्विलिब्रियम उधर लेके जाते हैं, तो ये लिखा हुआ है के एफ इंटू ए नोट इज इक्वल टू के एफ इंटू एक्स इक्विलिब्रियम प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम है ना। तो यहाँ से हो जाएगा के एफ इंटू ए नोट इज इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम हमने लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा के एफ प्लस के बी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल के एफ प्लस के बी, तो ये के एफ प्लस के बी हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से निकल के आएगी के एफ इंटू ए नोट डिवाइडेड बाय के एफ प्लस के बी। चेक करो एक बार, एक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आई, इसको इक्वेशन नंबर में फोर नाम दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम चले थे, थोड़ा सा बता देता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ से हम चले थे, हमने ये वैल्यू निकाली थी, उसके बाद यहाँ से के बी निकाला और इसी फॉर्मूले से हमने एक्स इक्विलिब्रियम निकाला के बी के टर्म में। यहाँ पे हमने के बी निकाला था एक्स इक्विलिब्रियम के टर्म में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही है, तो आई थिंक तुम्हें चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ पे इसको मैंने क्या नाम दिया हुआ, इक्वेशन नंबर वन नाम दिया हुआ। तो आगे चला जाए, अब हम बात करने वाले हैं, अब हम जो भी बात करने वाले हैं, अब किसके लिए बात करने वाले हैं, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो अब मैं इक्वेशन नंबर वन को यहाँ पे उठाने वाला हूँ, तो देखोगे उसको। इक्वेशन नंबर वन क्या था, इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन जो था dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एफ इंटू ए नोट माइनस एक्स माइनस के बी इंटू एक्स है ना। अब के बी की वैल्यू हमें ये पुट करनी है, तो के बी की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अपना चलता रहेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ इंटू ए नोट माइनस एक्स माइनस के बी की वैल्यू पुट करो, ये है के एफ डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, इंटू ए नोट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम इंटू ये वाला एक्स, ठीक है, इंटू ये वाला एक्स। चेक करो एक बार क्या मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए।
केबी की जगह ये पूरा का पूरा टर्म जो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म लिखा हुआ है केबी और एक्स मैंने इसके साथ में ऐड कर दिया। चेक करो ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, लेंथी डेरिवेशन, लेकिन समझ पाओगे, ईजी है काफ़ी। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाल रही है, सिंपल रखना है हमें, डी एक्स बाई डी टी ही रखना है इज इक्वल टू, ठीक है। चेक करोगे ये, इसको खोल देते हैं, मतलब इसको हम पूरा खोल के लिख देते हैं, के एफ इंटू ए नोट, के एफ इंटू ए नोट माइनस के एफ इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा के एफ इंटू एक्स। चेक करो एक बार, इसी को लिख रहा हूँ मैं, ये के एफ है, ठीक है, ये के एफ है अपना। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, चेक करेंगे एक बार। के एफ इंटू ए नोट डिवाइडेड बाई एक्स इक्विलिब्रियम इंटू एक्स, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंपल माइनस के एफ इंटू ए नोट, चेक करोगे एक बार, के एफ इंटू ए नोट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्विलिब्रियम, है ना, ठीक है। ये कर रहे हैं ना, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस वाले पार्ट को अलग अलग कर रहा हूँ। तो अलग अलग करूँगा तो कैसे लिखा जाएगा, एक बार के एफ ए नोट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा के एफ इंटू ए नोट अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम इंटू एक्स, आया ना, इंटू एक्स। एक बार इस एक्स इक्विलिब्रियम के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये जाएगा तो ये एक्स इक्विलिब्रियम से एक्स इक्विलिब्रियम कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा के एफ इंटू एक्स, तो ये हो गया तुम्हारे पास के एफ इंटू एक्स, ये चीज़ हो गई। अब तुम देखोगे तो यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिंपल कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपल इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आगे चलते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ इंटू ए नोट माइनस के एफ इंटू ए नोट अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम इंटू एक्स। चेक करो एक बार, यही है क्या, यहाँ से के एफ इंटू ए नोट, यहाँ से भी के एफ इंटू ए नोट कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ इंटू ए नोट, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम। चेक करो एक बार, ये क्या, थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, एक एक स्टेप समझते जाओगे तो आराम से चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एफ इंटू ए नोट वन माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ तक अपनी चीज़ें क्लियर है। लिखा हुआ है डी एक्स बाई डी टी, इसको वापस से हम यहाँ पे लिख देते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ इंटू ए नोट, ये एक्स इक्विलिब्रियम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स अपॉन एक्स, है ना, ये चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़ है, बढ़िया। अब तो काफ़ी सिंपल है, अब डेरिवेशन करना, तो डी एक्स अपॉन ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा नीचे हमारे पास सिंपल, तो सॉरी यहाँ पे नीचे आएगा, सॉरी एक्स इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ इंटू ए नोट इंटू डी टी, चीज़ क्लियर है। इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से भी इंटीग्रेशन, यहाँ से भी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा एल एन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, और इस माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस वन इसके लिए, इसकी वजह से लग जाएगा, तो ये माइनस लग गया इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा के एफ इंटू ए नोट इंटू टी प्लस सी, है ना, प्लस क्या हो जाएगा सी। अब हमें पता है कि टी इक्वल टू ज़ीरो पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, टी इक्वल टू ज़ीरो पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो टी इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पुट करो और एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करो, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई माइनस एल एन एक्स इक्विलिब्रियम। चेक करो एक बार, माइनस एल एन एक्स इक्विलिब्रियम, ज़रूर थोड़ा सा चीज़ें, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है इस वजह से काफ़ी धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है, आराम से देखोगे चीज़ों को, बोर्ड भी छोटा है इसकी वजह से बार बार रब करके चीज़ें बतानी पड़ रही है। C इक्वल टू माइनस एल एन एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको क्या कर दोगे तुम, इक्वेशन नंबर फाइव पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फाइव, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फाइव से देखते हैं, ठीक है, C की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, C की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एल एन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ इंटू ए नोट, ठीक है, इंटू टी माइनस एल एन एक्स इक्विलिब्रियम, है ना, चीज़ क्लियर है। एल एन एक्स इक्विलिब्रियम को इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा एल एन एक्स इक्विलिब्रियम पॉजिटिव हो जाएगा, मैं नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, माइनस एल एन
एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एन ओट इंटू टी के एफ इंटू एन ओट इंटू टी। ये हमारे पास कुछ चीज यहां पे ऐसे कुछ निकल के आने वाला है। तो यहां पे तुम एक चीज देखोगे तो यहां पे सिंपल सा क्या होगा, यहां पे ये डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलिब्रियम में निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां पे भी अपना डिवाइड होगा एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां पे डिवाइड होगा तो हमारा यहां पे भी क्या आएगा, सिंपल एक्स इक्विलिब्रियम निकल के आएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये एक्स इक्विलिब्रियम है कॉन्स्टेंट है, जो इक्विलिब्रियम में हमारी कॉन्सेंट्रेशन जितना रिएक्ट हो गया वो कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। तो ये एक्स इक्विलिब्रियम है, यहां पे भी आएगा हमारे पास सिंपल, और यहां पे भी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एक्स इक्विलिब्रियम निकल के आ जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सा क्या करना है, इस ln को हम कैसे लिख सकते हैं, इस ln को हम लिख सकते हैं ln ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा के एफ इंटू ए नोट इंटू टी डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। चेक करना है चीज को, यहाँ पे क्या किया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से एक्स इक्विलिब्रियम वही चीज़ आ रही है वापस, तो यहाँ से हो गया अपना एक्स इक्विलिब्रियम। इस एक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो इसको पुट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसको पुट करके फिर देखते हैं तो थोड़ा सा और चीज़ें तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अगर तुम वहाँ पे एक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एल एन एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ इंटू ए नोट डिवाइडेड बाय इंटू टी भी, यहाँ पर एक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यू ये रही के एफ इंटू ए नोट, डिवाइड बाय करोगे तो ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा के एफ प्लस के बी, है ना। ये से ये पूरा कैंसिल हो गया, हाँ कि ना, इस चीज़ को इधर लेके आ जाता है तो ये हो गया के एफ प्लस के बी इंटू टी इज इक्वल टू एल एन एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। ये हो गया तुम्हारे पास ओवरऑल फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूलों को ड्राइव करने के लिए हम पूरा इतना बड़ा डेरिवेशन कर रहे थे, तो ध्यान से देखना डेरिवेशन, ठीक है, कि कैसे हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये चीज़ फाइंड आउट किया, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे तुम लोगों को समझा दिया है कि एक एक स्टेप कैसे निकल के आया है, फिर भी खुद से एक बार डेरिवेशन तुम्हें करना है तो तुम्हें चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। अदरवाइज डेरिवेशन याद नहीं रखना हो तो ये फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो, उससे भी तुम्हारा काम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहली चीज़ थी आज के लेक्चर की, जो शायद थोड़ी सी ज़्यादा टफ ना हुई होगी मेरे हिसाब से, डेरिवेशन था। स्टेप बाई स्टेप अगर चीज़ें देखते हुए गए होंगे तो तुम्हें उतनी परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार लेक्चर को पीछे से वापस से एक बार देख सकते हो, तो तुम्हें वापस से चीज़ें मिलेगी कि कहाँ से कौन सी वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पे पुट किया है, तब जाके हमारे पास ये फॉर्मूला निकला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आज के सेकेंड टॉपिक की, जो है अपना स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और काफ़ी अच्छे से समझना इस चीज़ को कि कौन सी रिएक्शंस को हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो पहले उसकी डेफिनेशन मैं तुम्हें समझाता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा हुआ है रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड यूजिंग रेट लॉ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिनका सपोज, जो भी एलिमेंट्री रिएक्शंस की जनरली हम बात करें तो एलिमेंट्री रिएक्शंस का ऑर्डर हम उसकी मॉलिक्यूलैरिटी देख के पता लगा सकते हैं, मतलब रिएक्शन को देख के पता लगा सकते हैं, ये पहले हम बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी रिएक्शन है जिनका रेट लो एक्सपेक्टेड जो भी रेट लो एक्सप्रेशन होता है उससे डिफरेंट आ जाता है, तो इस टाइप की जो भी रिएक्शंस होती है और या जो भी उनका ऑर्डर निकल के आ जाता है उसको हम बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। इसको एग्जांपल से तुम लोगों को समझाता हूं। जैसे कि ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, इस वाली रिएक्शन का जो भी एक्सपेक्टेड रेट लो है, एक्सपेक्टेड रेट लो जो है वो एक्सपेक्टेड रेट लो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू आर सी एल टू द पावर वन, अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एच टू ओ की पावर वन, ठीक है। अगर मैं इसका ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग बोलूँ तो ऑर्डर आएगा वन प्लस वन, मतलब आंसर तुम दोगे उसका टू, चीज सही है। लेकिन इसका जो एक्चुअल रेट लो होता है ना, जो इसका एक्चुअल रेट लो अगर मैं बात करूँ तो वो होता है रेट इज इक्वल टू के डैश
इंटू आर सी एल टू दी पावर वन, एच टू ओ की बात ही नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर रेट लो को देखें तो आंसर आ जाएगा ऑर्डर वन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर वन। अब ऐसा क्यों होता है उस चीज़ को समझना, पहले ये चीज़ समझ पाए कि एक्सपेक्टेड हमें ये था कि ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आ कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब इसका रीज़न क्या, उस चीज़ को समझना है। यहाँ पे क्या होता है ना कि सूडो ऑर्डर रिएक्शंस तब बनती है कोई चीज़, जब कोई चीज़ है कि एक्सिस में होती है। सपोज यहाँ पे जो भी अज्यूम किया हुआ है, या यहाँ पे जो भी चीज़ एक्सिस में थी वो है वहाँ पे वाटर। यहाँ पे कौन सी चीज़ है, वो है वाटर। अब कोई भी अगर एक्सिस में चीज़ है तो रेट का जो लो है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रेट का जो भी लो है उसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल्स या कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ देके समझाता हूँ। जैसे कि सपोज आरसीएल की जो वैल्यू है, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह बना देते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी चीज़ों के बारे में। ये चीज़ समझ में आ रही है, एक्सपेक्टेड ये था लेकिन एक्चुअल ये है। अब ऐसा क्यों आ रहा है उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर से लिख देंगे हम, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.01 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है सपोज 10, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10। रिएक्शन हुई तो ये पूरा खत्म हो गया, ये रिएक्शन खत्म हुआ तो ये कितना बचा, ये बचा 10 - 0.01, मतलब अप्रोक्स कितना बोल सकते हैं इसको, 10 बोल सकते हैं ना, अप्रोक्स क्या बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब अगर इसका मैं रेट लो लिखने की कोशिश करूँगा, जो भी एक्सपेक्टेड था वो रेट लो एक तरीके से क्या था, वो था अपने पास K इंटू आर सी एल इंटू इंटू एच टू ओ, है ना, इंटू क्या था वो, एच टू ओ था। अगर वो एच टू ओ था तो आर सी एल की कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं बात करूँ तो आर सी एल की कॉन्सेंट्रेशन तो पूरी की पूरी खत्म होगी, लेकिन एच टू ओ की कॉन्सेंट्रेशन में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मतलब एच टू ओ की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रही यहाँ पे, कॉन्स्टेंट रही। एच टू ओ की जो कॉन्सेंट्रेशन रही वो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या रही, कॉन्स्टेंट रही। उसका रीज़न क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सिस में हमारे पास अवेलेबल था तो ये कॉन्स्टेंट रही। इस कॉन्स्टेंट के ये साथ ये कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया, के डैश, और के डैश के साथ मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया था, आर सी एल की पावर वन, क्योंकि ये वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट। लेकिन ये कब हो पा रही है, जब ये एक्सिस में है, जब एक्सिस में नहीं होगा तो हम सिंपल जो भी लो लगाते हैं पहले वाले वही लगेंगे, लेकिन जब एक्सिस के अंदर हो जाता है तो हमारे पास जो एक्चुअल में रेट निकल के आती है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करती है, ओनली आरसीएल पे, क्योंकि H2O की जो वैल्यू है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं आ रही है, ऑलमोस्ट सेम आ रही है हर बार। तो इसी वजह से जो रेट अपना एक्चुअल हो जाता है वो कितना हो जाता है, के डैश इंटू आरसीएल की पावर वन। इसी वजह से ये ऑर्डर क्या हो जाता है, इसका ऑर्डर हो जाता है वन, और अगर इसका ऑर्डर वन हो जाता है तो इसको हम बोल देंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसको हम क्या बोल देंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो स्यूडो वाली है। चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अपने पास जो आना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था वो ये था, लेकिन एक्चुअल में क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है। तो ये दोनों में क्यों चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ऑलमोस्ट हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो पूरा का पूरा वेरिएशन किसकी वजह से आएगा, आर सी एल की वजह से। तो रेट पर किसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा, आर सी एल की वजह से। इसकी वजह से हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो भी पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ऑर्डर डिपेंड करेगा वो किस पर करेगा, आर सी एल। तो इसको यहाँ पर हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल पा रहे, लेकिन कब बोल पाएंगे, जब एक्सिस की बात करें। चीज़ क्लियर है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि तुम्हें दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट लो था, वो एक्सपेक्टेड रेट लो क्या था, रेट इज इक्वल टू के इंटू आर सी ओ ओ आर डैश टू इंटू एच टू ओ टू दी पावर वन, इसकी पावर भी वन, ठीक है। अब ऑर्डर अगर तुम बात करोगे तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1+1, मतलब आंसर आ जाएगा 2, 1+1 आंसर आ जाएगा 2, तो ऑर्डर होना चाहिए 2। लेकिन जो एक्चुअल रेट लो है वो क्या होगा, जो एक्चुअल रेट लो है वो क्या होता है, वो होता है रेट इज इक्वल टू के डैश। ये वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी ऑफकोर्स, यहाँ पर ये किसके अंदर रहेगा, ये एक्सिस के अंदर रहेगा, तो इसको हम मान लेंगे कॉन्स्टेंट, मान लेंगे कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा आर सी ओ आर डैश। और यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 1, और ऑर्डर अगर 1 हो जाएगा तो इसको लिख देंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसको लिख क्या लिख देंगे हम, सिंपल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो आई थिंक तुम्हें स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है वो चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये एक्सिस में होता है तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होती है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता थ्रू आउट द रिएक्शन, क्योंकि एक्सिस में रखी हुई, ठीक है। तो एक्सिस में रखने ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं, पूरे इसकी वजह से। तो इसको हम क्या करते हैं, इस के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक नया कॉन्स्टेंट के डैश, वो भी एक तरीके का कॉन्स्टेंट है, और हमारा ऑर्डर क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
की पावर वन, तो ऑर्डर यहाँ पे वन ऑफ वन हो जाएगा और इसको हम बोल देंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की रिएक्शंस को या कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स से तुम सूडो ऑर्डर रिएक्शंस को समझ सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिससे रिलेटेड कभी अगर क्वेश्चन आता है तो अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर ने जो बताया था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अब वो चीज़ क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि कभी भी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें पता कैसे लगाना है कि ऑर्डर कैसे होगा, तो तुम पता लगाते हो कोई भी उसका जो स्लो स्टेप होगा, उस स्लोएस्ट स्टेप को हम बोलते हैं RDS, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो यहाँ पे जो भी रेट होगा वो किसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रेट बोलूँ तो रेट होना क्या चाहिए, रेट होना चाहिए K into O3 into ये O, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात। ठीक है, जैसे कि नेसेंट हाइड्रोजन होता है वैसे ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। तो अपना रेट जो होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू, अगर हम पुरानी चीज़ें को अकॉर्डिंग बोले तो क्या होना चाहिए, रेट इज इक्वल टू होना चाहिए K into O3 into O, हमारे पास ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम ये चीज़ हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए इसका, ये होना चाहिए रेट इज इक्वल टू K into O3 into O। लेकिन जब हम ओवरऑल रिएक्शन को देखते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हमें O3 तो दिख पा रहा है, लेकिन क्या हमें नेसेंट ऑक्सीजन दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है। तो हमारा यहाँ पे ये काम होगा कि हम इस नेसेंट ऑक्सीजन को रिप्लेस करें हम किसी और चीज़ से, ताकि हम इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर वो एलिमेंट को देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन है इक्विलिब्रियम वाली या रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसके लिए KC क्या लिख सकते हैं, तो KC क्या होगा इसके लिए, KC होगा O2 डिवाइडेड बाय O3। चेक करो एक बार क्या यही मेरे पास KC होगा। यहाँ से मैं O की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, मतलब तो नेसेंट ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करूँगा, तो वो वैल्यू आएगी KC into O3 डिवाइडेड बाय O2, है ना। यहाँ से अगर मैं इस नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगा, KC into O3 डिवाइडेड बाय O2। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O को हमें कहाँ पुट करना है, यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन हमें क्या करना है, रेट इज़ इक्वल्स टू लिखना है K into O3 into KC into O3 divided by O2। ठीक है, डिवाइडेड बाय O2 लिखना है सिंपल। तो हमारे पास ये हो जाएगा K into KC। ठीक है, ये कांस्टेंट, ये KC कांस्टेंट into O3 into O3, तो ये हो जाएगा O3 स्क्वायर और ये जाएगा O2 की पावर -1। O2 ऊपर चला गया। ठीक है, इस पूरे के पूरे केसी को, K into KC को मैंने लिख दिया K डैश। क्या लिख दिया मैंने, सिंपल इसको K डैश। तो रेट इज इक्वल्स टू हो गया अपने पास K डैश into O3 का स्क्वायर O2 की पावर -1। तो ये अपने पास रेट निकल के आ गया जिसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, या कभी भी तुम्हें इस तरीके का रिवर्सिबल चीज़ बने ना तो तुम्हें यही प्रोसीजर फॉलो करना है, याद रख लो, सिंपल सी चीज़ है। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर अगर बोला जाएगा, ऑर्डर क्या होगा इसका, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2-1, नेगेटिव हो सकता है ऑर्डर। ठीक है, तो नेगेटिव ऑर्डर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। तो 2-1 आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर 1 होगा, और उसके लिए एक्सप्रेशन हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे मेन काम था एलिमिनेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, हमें नेसेंट ऑक्सीजन को यहाँ पे एलिमिनेट करना था, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया। तो आई थिंक तुम्हें ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि कैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट वैल्यू किया है। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी बात हो गई, आई थिंक ये जो भी एक चीज़ थी ये तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो कभी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो तुम्हें यहाँ पे यही प्रोसीजर फॉलो करना है, वहाँ पे यही प्रोसीजर फॉलो करना है, तो तुम्हारा आंसर वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो भी केमिकल काइनेटिक्स था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें पढ़नी है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़रूरत होगी कि आइसोमेरिज्म के अंदर कुछ चीज़ें पढ़ पाएँ। ठीक है, आइसोमेरिज्म अभी तुम्हारा चैप्टर चल रहा है, तो ऑफकोर्स तुम उसको पढ़ रहे होंगे। तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है, या उसका कोई जो भी पार्ट जिसकी ज़रूरत है मुझे, वो जैसे ही कंप्लीट होता है, तो वो कंप्लीट होते ही तुम्हें वो जो लास्ट टॉपिक है, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसके अंदर वो ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं तुम्हें उसको पढ़ने के बाद पढ़ाऊँगा। ठीक है, या उसको पढ़ने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो पहले तुम वो चीज़ पढ़ लो, फिर बाद में वो एक और लेक्चर में एक्स्ट्रा बना के उसको तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है,
तो एक और लेक्चर बचेगा, लेकिन वो कुछ एक हफ्ते के बाद ज़रूर तुम्हें मिल जाएगा ऑफकोर्स। तब तक सर तुम्हें शायद वो चीज़ें करवा देंगे, तो तब तक के लिए तुम्हें वेट करना है ताकि तुम ये चीज़ें कर पाओ। एक हफ्ते के अंदर वो तुम्हें मिल जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है, जो तुमसे अभी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो फिलहाल के लिए उन क्वेश्चंस को भी रोक सकते हो। एक हफ्ते के बाद तुम्हें लेक्चर मिल जाएगा तो काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। जो बाकी पोर्शन है उसका वीडियो तुम्हें बाद में मिल जाएगा, ठीक है। एक लेक्चर और बाकी रहेगा बस, तो वो तुम्हें अलग से मिल जाएगा। तो अगले लेक्चर से हम शुरू करने वाले रेडियो एक्टिविटी, जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा यूज़ आने वाला है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के सारे फॉर्मूले, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, हर एक चीज़ वापस से आने वाली है रेडियो एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ चीज़ें तुम्हें पता होगी पहले से, तो जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर मिलने वाली है, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है तो काफ़ी जल्दी खत्म होने वाला है। तो काइनेटिक्स जो भी था वो इतना ही था, एक और लेक्चर है वो तुम्हें जल्दी मिल जाएगा चीज़ें समझने के बाद। बाकी इसी तरीके से करते रहो, रेडियो एक्टिविटी शुरू करते हैं। अगला लेक्चर जो भी होगा वो अपना रेडियो एक्टिविटी का फर्स्ट लेक्चर होगा, तो बने रहो और इसी तरीके से चीज़ें करते रहो। बाकी केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो ताकि तुम्हें चीज़ें थोड़ी सी पता लग जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसके अंदर रही है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रहेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, एक्टिवेशन एनर्जी वाली चीज़ें, ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, जो कि तुम्हें ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। बाकी ठीक है, लेक्चर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके तुम लिख सकते हो। बाकी पढ़ते रहो और चीज़ें अपने आप करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी के। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।